तान्या? तान्या? बंसी। तभी हम लोग किसी से मिलने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये नासिया पहले बोल रही थी कि एक लड़की है जो तुमसे मिलना चाहती है, तो भाई पता नहीं कौन लड़की है। ये स्वेजी, как сказать свежий? How much ruble? गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं नासिया के घर पे हूँ और अभी नासिया बोल रही है कि हम चलते हैं कि कुछ सब्जियाँ वगैरह खरीदते हैं, तो सुपरमार्केट चलते हैं। कल भी मुझे बोला लेकिन कल मैं नहीं गया, तो आज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए वेजिटेरियन सब्जियाँ वगैरह चाहिए। तो नासिया भी आ रही है, उसका दो बेटे हैं वो भी आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। और ये आर्चम भी आ रहा है, तो अभी हम चलते हैं बाहर और फिर मार्केट वगैरह सब दिखा दे आपको। ये लो इनकी गाड़ी, बैठ गए, स्टार्ट। और ये घर है, इधर दरवाजा पूरे बिल्डिंग का वही सेम सिस्टम है, लॉक हो गया। और अभी हम चल निकले यहाँ से बाहर। टोपी वोपी पहन के हीरो बन के निकल पड़े थे भाई। तो चलते हैं अभी सुपरमार्केट और सुपरमार्केट से कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं। ये देखो दादी घर गार्डन वगैरह ठीक कर रही है। ये आवाज़ आएगी की इसकी गाड़ी की आवाज़ आएगी। ठंडी बहुत है भाई, हवा बहुत तेज़ आ रही है, मतलब ठंडी हवा आ रही है, एकदम ठंडी हवा आ रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं रशिया में हूँ। सच में मैं रशिया में हूँ। और रशिया की एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है रुब्सोवस्क। और फिलहाल ये डे टू है और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सब्जियां वगैरह लेने के लिए। और इसमें मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ये है नास्या और ये है इसका बेटा, क्या नाम था इसका मैं भूल गया, आर्चम। और एक वो छोटा और है जो रुस्लान है, वो भी बाहर गए हुए काम पे। तो हम लोगों दोनों हम जा रहे हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो कहाँ जाएंगे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, चलते हैं इस तरफ देखते हैं। यहाँ का नज़ारा देखो भाई, ये छोटा सा शहर है और आपको ऐसा वैसा दिखेगा। देखो बच्चे खेल रहे, उधर गार्डन है। यहाँ पे हर सोसाइटी के बाहर एक गार्डन होता है भाई, प्लेग्राउंड, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था होती है हर गार्डन में। और ये देखो सोवियत यूनियन वाले पहले की गाड़ी, पुरानी कार। और पेड़ पौधे बहुत, ग्रीनरी तो यहाँ बहुत है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रीनरी तो बहुत है यहाँ। अरे भाई ये इलेक्ट्रिक वाली बस थी, वो लेडीजे चलाती यार, जोरदार सीन था यार। देखो भाई कितनी खूबसूरत सड़क है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे पेड़ लोगों के चढ़ने के लिए, एक अलग सड़क। जबरदस्त सिस्टम है यार, ऐसा माहौल कहाँ मिलता है यार, इतनी ग्रीन और ठंडी हवा आपको प्योर। हर एक मिनट पे एक बस चलती है और इसको ड्राइव करती है महिला, इलेक्ट्रिक बस बड़ी बड़ी। ये रशियन ट्रैक्टर है, देखो पंचर हो गया, ट्रॉली ठीक कर रहा है, कुछ ऐसा ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। ये बस है देखो, इसको महिला ड्राइव करती है। वहाँ पे कार दो एक्सीडेंट हो गई यार, जबरदस्त ब्रेक लगाए, घबरा गए यार। तो ये है मार्केट, सब्जी मार्केट हम यहाँ से लेंगे। देखो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, टमाटर प्याज गोभी रशिया के बाजार में। अभी दुकान पे दूध लेने के लिए आए, ये свежий, как сказать свежий? How much ruble? Ruble? 100. Скажи парное. Нет, подожди, это कितना है रूबल का बताते हैं आपको। ये बोतल करीबन 2 लीटर के आसपास होगी मुझे लगता है। 2 रूबली। ओके हाँ हाँ। Перевести. 100 рублей. Ну не знаю, да. Окей. And this one? Ничего, мы тут все было. А это? Рубль. 35 рублей килограмм. Ну-ка, подожди. Килограмм. 35. Окей, окей, окей. 35 рублей кило. Фига. 35 рублей алю е, и е бутыл ка 100 рублей. Спасибо. У них же руки, руки. Спасибо. Чалте. Пакеты. Кто ты, мой мать? छोटी छोटी दुकान, थोड़ा थोड़ा सामान, पता नहीं कितना कमाते हैं मुझे नहीं पता। तो आप जेलिन, जेलिन, लुक,
भाई प्याज भी ले लिया है 130 रुपए का 3 किलो больше чуть-чуть больше 30 किलो полтора где-то килограмм और इसका давай куда-нибудь положим тебе в пакет और यहां की मार्केट में भाई काफी बढ़िया-बढ़िया कपड़े भी मिल जाते हैं कॉटन है शायद मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छे हैं और एक छोटा सा चीज बच्चे के लिए लिया ये खेलने के लिए मिर्चा देखो भाई काफी बढ़िया-बढ़िया गोभी भी है ना प्याज बाल्टी भर-भर के ये लोग खरीदते बेचते हैं 3 किलो लगभग साथ में ही खरीदते हैं ये लोग जब भी खरीदते हैं चलते हैं भाई आगे हां ये भी मार्केट है तो अभी आपने देखा लोकल रशिया की मार्केट कैसी होती दूर दराज गांव में भी काफी अच्छी मार्केट होती व्यवस्थित सजा के रखते हैं कचरा भाई कितना संभाल के रखते हैं एक बंदे के पास छोटा सा प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा वो भी अपनी जेब में डाल रहा है अभी ये बच्चे को मैं देख रहा हूँ वो जो पीने का जो है ना जूस वगैरह उसका जो एक ऊपर का प्लास्टिक होता है वो भी जेब में डाल रहा है यार इसके अंदर मतलब कितना वो भरा हुआ है कि सफाई के बारे में मतलब काफ़ी जागरूकता है यहाँ पे देखो चलते हैं फिर यहाँ पे और यहाँ पे होती सुपरमार्केट जिसको बोलते हैं मगाजीन मगाजीन सुपरमार्केट है वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे कि दूध घी आपको जो भी चाहिए तो हम भी चलते हैं इसके अंदर मगाजीन के अंदर सुपर मार्केट में यहाँ पे भी फ्रूट वगैरह मिलते हैं देखो तो अब यहाँ पे दही मिल जाए तो हमको लेना है короче вот этот лучше этот good а этот Руслан no типа вот этот вкуснее. Ну смотри, как хочешь. Вот. Это китайский. Mm. Ну давай возьмем вот эту штучку. Нет, вот чеснок. 3 штуки 40 рублей. Вот это 40. 40. А, окей. Это что у нас? 40 рублей, 40-45 рублей это 3. Пойдем, пойдем за кефиром. Пойдем. Сам. यहाँ पे भाई कीफिर दही तो है लेकिन ढक्कन वाला नहीं है नहीं कीफिर पाउच वाला है हाँ दिस स्लीव की नहीं ये तो कॉफी कॉफी नलिवाट विदिश कॉफी ओके ओके देखते हैं कुछ вот так вот даже нет तो ये थोड़ा मार्केट में दही लेते हैं तो कौन सा दिस वन ну вот мы берем такой только что процент как это пожирней good жир. Good one да это good. Лучше так 2,5 окей рубль рубль это стоит кефир нет это не то вот нет. Здесь вот у них белый замок вот 78.50 ага окей ठीक है давай возьмем ये रूबल का ले लेते हैं 78 रूबल का बाकी का देखो भाई उसके बच्चे भाई बदमाश है एक छोटे वाला तो इतना बदमाश है ना कहीं भी घुस जाएगा कुछ भी निकाल लेगा देखो ये इधर से फाड़ के भाई तुरंत का तुरंत खाली करने की सोच रहा है ये बंदा इतना बदमाश है छोटा बच्चा चॉकलेट वगैरह और ये साथी है यहाँ पे वही सिस्टम है यहाँ पे भी थैली वाला और पैसा एक रूबल यस गीली ठीक है और यहाँ पे 10 सिक्का डाल के चॉकलेट निकाल दे घुमा फिरा के चॉकलेट आया है क्या да и Левечки большую сердечко смотри как классно ठीक है भाई चलो держи еще तो ये रशिया लाइफ ऑन गोइंग है और अभी आलू की सब्जी प्याज की सब्जी बना रहा हूँ सब्जी का टेस्ट तो भाई इंडिया जैसा ही दिख रहा है और आटे में कुछ गड़बड़ लग रहा है अब आटा पता नहीं ये है या नहीं है एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको मैका बोलते हैं मक्का क्या पता मक्का है या मैदा है मुझे मैदे का डाउट लग रहा है इसको बनाते तभी पता चलेगा ठीक है तो भाई देखो आधे घंटे की मशक्कत के बाद आलू प्याज की सब्जी थोड़ा दही और ये है रोटियाँ जो अपने रोटियां जैसी तो नहीं है लेकिन यही है मैदे जैसी कुछ है पर ठीक है फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं उससे अच्छा ही है तो भाई बाहर आपको लाइट दिख रही होगी
फुल फ्लैश लाइट है, जैसे कि कभी अभी इंडिया में कोई 4, 4:30, 5 बजे हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे टाइम हो गया है, यहाँ पे टाइम हुआ है 7:30 और इंडिया में हो गए हैं, इंडिया में 6 हुए और यहाँ पे हुए 7:30, तो मुझे लगता है 1.5 घंटे का फर्क है। तो अभी फिर से मतलब दिन भर तो मैंने भी आराम किया था भाई, सच बता रहा हूँ, मंदिर गए थे उसके बाद वापस घर आ गए और खाना खा के सो गया, मैंने खुद खाना बनाया। अभी नासिया बोल रही है कि हम चलते हैं बाहर वॉकिंग, और रुस्लान आके सो गए हैं, तो बाहर चलते हैं, क्या वॉकिंग वॉकिंग वाला सीन क्या है वो भी आपको दिखाते हैं कि रशिया की एक्चुअली लाइफ होती क्या है, लोगों की इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइफ इज़ गुड। लोग थोड़ा 5-6 घंटा काम करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, और इनका शादी वाला सीन भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो भी काफ़ी, वो तो अलग है, उसको आप समझ नहीं पाओगे। पुरुष प्रधान देश लग रहा है, मतलब जब लड़की अच्छी लगे तो 2-4 साल रखो, फिर लगे कि नहीं तो जाओ, तो वो किसी और के साथ चली जाती है, या आदमी कभी किसी और से अफेयर में पड़ जाता है उसको निकाल देता है, तो वो कुछ लाती नहीं है, बस आएगी तो इस घरों में रहेगी, और उसके बाद जब नहीं चाहिए तो दूसरे घर में चली जाएगी, उसको घर बना बना सेट मिल जाता है, आदमी उस घर को ही हैंडल करता है, वो भी सारी सामान चीज़ें वही लाता है। ठीक है, तो चलते हैं बाहर। तो भाई देखो 8 बज गए हैं ऑलरेडी, 8:18 हुए हैं, और ये रही धूप, रात के 8 बजे हैं, अभी हम चलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो ये है आर्चम, ये है इसकी पता नहीं क्या है, और अभी आ गए हम लोग मार्केट में, मैंने टोपी ले लिया भाई, यहाँ पे ठंडी लगती है सही में, शाम के 8 बजे हैं और यहाँ पे लाइट है फिर भी, अब चलते हैं मैगजीन के अंदर, चलो लेट्स गो लेट्स गो। और किसी के वीडियो में मैंने देखा था वही चीज़ यहाँ पे भी पड़ी, देखो लवास जिसको बोलते हैं, रोटी है, इतनी तो अच्छी नहीं, ठीक है काम गुजारा हो सकता है, बाकी यहाँ पे ब्रेड सैंडविच वगैरह बनाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो वेजिटेरियन के लिए कुछ जुगाड़ तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बाकी आटा तो भाई यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये चक्कर लग रही है बोरी भर भर के। तो भाई ये वाली टोपी फिर से ले लिया अफ्रीका में जो मिली थी, 240 रूबल की आई है, करीबन 260 रुपये के आसपास, तो चलेगा, अफ्रीका में भी इतना ही पैसा लगा था, लेकिन दूसरी जगह इंडिया में इस जो मेरे सर में फिट हो वैसी मिलती नहीं है, तो इसलिए ठीक है। 8:35 हुए हैं, रशिया में अपना हुलिया बदल गया भाई, देखो यहाँ से एक टोपी ले लिया है, और अभी हम लोग किसी से मिलने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये नासिया पहले बोल रही थी कि एक लड़की है जो तुमसे मिलना चाहती है, तो भाई पता नहीं कौन लड़की है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, लड़कियों में तो मिलने में क्या हर्ज है, कोई बंदा ना थोड़ी बोलेगा, इंडिया वाले हैं। ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे इसलिए रुका कि रशिया के आम लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, दूर दराज शहरों में तो चलो हमके बाद में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन गांवों में कैसी होती है, देखो टूटी हुई सड़कें, ये एक छोटा तहसील जैसा ही कुछ सिटी है, रुबत्सो वस्क बोलते हैं इसको, यहाँ से ट्रेनें बहुत सारी चलती हैं, कजाकिस्तान वाला रूट है वो यहीं से भी है, तो लेकिन यहाँ पे व्यवस्था ठीक है, देखो ऐसा टूटा फूटा सड़कें हैं, आदमियों मतलब लोगों के लिए चलने की अलग सड़क है, और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग है, और यहाँ से वन वे ही होता है, देखो इधर से वन वे, दूसरी तरफ से और वन वे होगा, उसके बाद सड़क के बाद एक और चलने का, फिर पेड़, फिर बाद में सोसाइटी, और उसके बीच में गाड़ियों का पार्किंग और गाड़ियाँ चलने का, दरवाजे लॉक रहते हैं, जो दरवाजे जिसका घर है वही खोल सकता है, बाकी कोई बाहर का आदमी कभी एंटर नहीं हो सकता है, ये इधर का सिस्टम है, पूरा चारों तरफ से बंद होते हैं, अंदर सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, तो आप अंदर सामान वगैरह कुछ भी ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की जब उम्र ढल जाती है ना, जब उम्र हो जाती है तब लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली हो जाती है, पता नहीं सरकार मदद करती होगी तो नहीं होती रहेगी, लेकिन अगर सरकार मदद ना करे तो लाइफ स्ट्रगल वाली है, क्योंकि शादी कभी भी टूट जाती है, उसके पास कुछ घर वगैरह होता नहीं है, या पता नहीं क्या सिस्टम है इधर का, तो थोड़ा वो मुश्किल वाला काम है। ये देखो बदमाश आदमी,
और ये बसें वही इलेक्ट्रिक वाली महिलाएं चलाती हैं और बढ़िया सिस्टम से काफ़ी तेज और रूल्स को फॉलो करती हुई। ये फुहारे देखो भाई कैसे चल रहे हैं, गोल गोल गम घूम रहे हैं। और ये पाइप ये इतना छोटा है ना, इसको नताशा सिखा रही कि वो देखो सिग्नल बंद है इसलिए यहाँ पे रुकना है। तो इतना छोटे बच्चे को सिखाना शुरू कर देते तभी ये लोग समझते, देखो अभी सिग्नल बंद है, अभी ये समझने लग जाएगा भाई रेड लाइट है तो रुक जाओ। अभी इतना छोटा बच्चा इसके दिमाग में भर देंगे तभी तो हम सीख पाते हैं ना, हमारे छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए। ये वाला है, इसने छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं फेंका, मैं इसको देख रहा था सुबह। और फाइनली एक पार्क में आ गए हैं, यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चों का खेलने की जगह है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी खेलते हैं। तो अब ये बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, कुछ मस्तियाँ करेंगे, हम भी यहाँ पे खड़े कुछ देर के लिए। यहाँ के सारे घर एक ही डिज़ाइन के होते हैं, चार फ्लोर से ज़्यादा नहीं होते, पाँच फ्लोर, और इसके बीच में इतना गैप छोड़ा जाता है। सारे मकान यहाँ पर एक जैसे होते हैं, कोई नई नई डिजाइन ऐसा कुछ नहीं, सब एक ही जैसे मकान रहेंगे फिक्स। ये वाला हॉकी स्टेडियम है और इस तरफ फुटबॉल स्टेडियम है पीछे की तरफ पेड़ों के। तो कितने अच्छे अच्छे यार, एक ऐसे लेवल में भी इतना बड़ा बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, अपने यहाँ पे इंटरनेशनल खेले के होता वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है। ये आई है तान्या Спасибо. Привет и спасибо. Все понятно. Транслитером okay. по okay. переводчику. Thank you. ये है तानिया, जो इसकी ब्रात है? Подруга. Подруга, окей. Okay. Дружить? Дост है, дост है, дост है. Friends, friends. Friends, да. Friends. तो ये बोले कि मुझे मिलना है, तो मिलने के लिए आई है। भाषा समझ में नहीं आती, बर्दुस्का का मतलब होता है दोस्त, बस इतना पता है, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ओके, नाइस टू मीट यू. Meet you. Nice to meet you. Good. Красивая? Он сказал, все красивые девушки в России. Баги, транслейт करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा. Beautiful. Ты уже все, ему уже попало в душу. Нет, нет, нет. Абби, थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं. Переводчик у нас тут. आपसे मिलके अच्छा लगा. Сейчас вот здесь читай, здесь перевод будет тут внизу. Было приятно видеть тебя. Уже было. Короче, приятно видеть тебя. Thank you. Thank you. Thank you. Уже какой-то пакетный английский пришел, да? Потому что я тоже ничего. Ты можешь что-нибудь сказать? Я рада познакомиться. Не слышно. Громче тебе надо поближе к рту. Я очень рада познакомиться. Мам. Oh. Thank you. Спасибо. ये बोल रहे मैं तुमसे मिलकर के खुश हूँ, मुझे भी खुशी हुई, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये दादी तो कार लेके आए हैं भाई, मुझे तो नहीं पता था कि ये कार लेके आई है। और ये इसके दो बेटी हैं, शादी अभी नहीं हुई है भाई। ओके ओके, хорошо, хорошо. No problem. Давай говори троих. तो भाई आज का वीडियो आपने देख लेगा, घूम फिरा के हम घर आ चुके हैं। रुस्लान हमारे भाई भी मिल गए वापस, आज इनका काम पे थे, कल इनकी छुट्टी है। टुमारो वी आर गोइंग टू बोटिंग रिवर, तो कल आपको बहुत जबरदस्त एक्सट्रीम वीडियो दिखाने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला। कल वाले वीडियो मस्त मिस करना। और ये देखो टीवी पे मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, काफी बड़ा टीवी है। और इधर ये है तानिया जो यहाँ पे मिलने के लिए आई है। थैंक यू स्पेसिवा, काफ़ी खुश है, बोले ब्लॉगर क्या बात है यार, मज़ा आ गया। तो बस मिलते हैं आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रशिया की लाइफ आपको कैसी लगी। थैंक यू रसलम फॉर होस्ट मी, बहुत सेवा कर रहा भाई, पूरा घर घर दे दिया मुझे। बाय बाय।